हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस भाई और ये रहा मेरा KTM RC। देख सकते हैं ये गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका था और मेरा हाथ टूट गया था राइट वाला। आपको वीडियो में दिख गया होगा, पहले मैं एक वीडियो बनाए थे हम उसमें। और अभी दिखाने वाले क्या क्या टूटा है गाड़ी का और क्या क्या पार्ट्स चला गया, जो नहीं चलने वाला है, जो चलने वाला है। इसका सामान सब आ चुका है, अभी सब हम इसमें लगाने वाले हैं और फिर से गाड़ी को तैयारी करने वाले हैं। गाड़ी ख़राब हो चुका है, टूट गया है। इंजन दिखा देंगे आपको, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं इंजन पूरा टूट चुका है चैम्बर। फिर भी गाड़ी स्टार्ट होगा, फिर भी गाड़ी स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, आज हम पूरा वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं ये जो KTM RC है इसका कहाँ कहाँ टूटा फूटा गया है एक्सीडेंट में। हाथ तो गया था, आपको पता ही होगा, यहाँ ऑपरेशन हुआ है, रड डाला हुआ है हाथ में। प्लस इस गाड़ी का बताने वाले हैं आपको, जैसे कि देखिए ये जो फुटरेस है ये टूट चुका है पैर रखने वाला। जैसे कि इधर भी टूट चुका है, इधर का बॉडी ख़त्म है, इधर पूरा डैमेज है, ठीक है, इधर टूट चुका है। प्लस ये वाला हैंडल वर्क जो सूज है, ये सूज भी ख़त्म हो गया, ये हैंडल जो है हैंडल भी ख़त्म है। प्लस इधर ब्रेक का ये भी टूट चुका है। प्लस इधर वाला हैंडल देख सकते हैं पूरा बेंड हो गया है, अच्छा से देखिएगा तो पता चल जाएगा, पूरा टेढ़ा लग रहा है, पूरा बेंड हो गया है। प्लस इधर का जो फुटरेस है ये यहाँ पैर रखने वाला, ये भी टूट चुका है। उसके बाद इधर स्क्रैच खाया था आपका जाके, उसके बाद इधर देख सकते हैं आगे पोजीशन सब सही है गाड़ी का, और इधर देख सकते हैं स्क्रैच हो चुका है गाड़ी का। इधर वाला पार्ट सब देख सकते हैं पूरा टूट गया है, और इधर पूरा ये सब जो है ना, सब मेरा खून सब लगा हुआ है। गाड़ी अभी भी साफ़ नहीं हुआ है, पूरा एकदम गंदा गंदा साइड से एक्सीडेंट हुआ है। साइलेंसर भी बेंड हो गया गाइस, तो उधर साइलेंसर पड़ा हुआ है देख सकते हैं। ये रहा गाड़ी का साइलेंसर, ये साइलेंसर का भी पूरा चेंज हो गया है, ये काम करने वाले। और ये गाड़ी को पूरा एकदम ठीक ठाक करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिए क्या क्या मंगवाए हम और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर यूट्यूब का चैनल भी है, ये है मेरा, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। बहुत बड़ा हादसा हुआ है गाड़ी में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं। और आपको दिखाते हैं क्या क्या हम मंगवाए हैं। तो यहाँ जैसे कि कार्टून में इधर देख सकते हैं बहुत सारा है। इस गाड़ी का ऑयल तो ख़त्म हो गया, इसलिए हम ऑयल मंगवाए हैं। प्लस इधर ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर टूट चुका है, इधर चैम्बर मंगवाए हैं। ये रहा चैम्बर इसका, ये टूट चुका था, इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये रहा, इसको चेंज करने वाले हैं, न्यू आ चुका है, सेकेंड वाला लव, तो ये चेंज होगा इस साइड वाला। उसके बाद कुछ ये वाला भी आ चुका है, जैसे कि ये वाला पार्ट टूट गया है, तो इसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। न्यू वाला आ चुका है मेरा, तो न्यू वाला देख लीजिए आप लोग, कुछ इस टाइप का है, तो ये भी चेंज होने वाला है। प्लस एक आ चुका है क्लच पैकिंग जिसको बोलता है, यहाँ पर लगाया जाएगा कुछ इस टाइप से, ये चैम्बर के साथ लगता है, तो पैकिंग होगी आपका। उसके बाद ये जो है ब्रेक स्प्रिंग, जो यहाँ ब्रेक पेडल में स्प्रिंग लगता है वो लगाएंगे। ये रहा गाइस हैंडल, इसमें दो दो हैंडल, मतलब एक हैंडल इसमें है और एक हैंडल इधर पड़ा हुआ है आपका ऊपर का। दोनों हैंडल, जैसे कि ये जो हैंडल है, ये हैंडल यहाँ लगाया जाएगा, पाइप वाला है, एक इधर का एक इधर का, दो मंगवाए हैं। प्लस इसमें खुटरेस है, एक एक साइड इधर वाला यहाँ पर लगाया जाएगा, और सेकेंड ये वाला ब्रेक पेडल है, और ये वाला उधर वाला खुटरेस है। ये हैंडल ग्रिप मंगवाए हैं, लेफ्ट साइड में फट चुका है इसलिए गाइस। ये रहा सीट, ये वाला जो सीट है ये बेकार हो चुका है, टूट गया है, पूरा लचक पचक कर रहा है, इसलिए हम सीट भी मंगवाए हैं। तो अभी हम सबका रेट बताने वाले हैं, कितना कितना लगा है और कितना मेरा नुकसान हुआ है। और ये रहा ब्रेक स्प्रिंग बूस्ट, ये रहा फुटरेस का स्प्रिंग, और ये रहा गाइस मेरा सब हाल समाचार का, जितना नुकसान हुआ सबका बिल, ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अभी हम सबका बताने वाले एक लाइन से आपको रेट, क्या पड़ा नहीं पड़ा है। गाड़ी तो बेकार हो गया है, पैसा भी बेकार हो गया है, और अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर सब सामान मेरा KTM, ये जो RC है, ठीक है, इसका सब सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। बहुत सारा सामान है, जैसे कि इधर देख रहा होगा आपको, बहुत सारा सामान है, ठीक है, इधर बहुत सामान है, इधर सब पड़ा हुआ है इसका। प्लस मोबिल किधर गया, अभी मोबिल पता नहीं, मोबिल यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारा सामान है मेरे पास। तो
सब सामान का हम डिटेल्स आपको बताने वाले हैं कि कितना पड़ा है नहीं पड़ा है, ठीक है। बहुत सारा सामान है, इधर देख सकते हैं चारों तरफ सामान ही सामान है। इतना पार्ट्स इसमें अभी हम फिटिंग करने वाले हैं ये गाड़ी में, तब जाके ये गाड़ी लाइन में आएगा, पहले का जैसा बनेगा मजबूत। अभी टूट फूट गया है, कोई काम का नहीं, ये कवड़ा हो चुका है भाई, ठीक है। लेकिन अभी भी गाड़ी मजबूत है, एक ही नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है। अच्छा से देखिए, स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, फिर भी अभी स्टार्ट हो रहा है, देखिए ऑन किए तो गाड़ी में अभी भी जान है, ठीक है। पूरा कवाड़ा नहीं हुआ है, कवाड़ा से थोड़ा कम ही कवाड़ा हुआ है भाई, गेटियम में जान है, टूट फूट गया इंजन, लेकिन ऑन होता है, ठीक है। तो एक लाइन से बताने वाले हैं, जैसे कि आपको आ गया है मोबिल, ठीक है, तो दिखाने वाले हैं ये जो मोबिल है, मोटुल कंपनी का लगता है, इसमें 20W50 नंबर का। तो इसका जो रेट आता है गाइस, देख सकते हैं, पहले रेट कम था 1205 रुपया, अभी 1330 रुपया हो चुका है, इसका रेट बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये वाला हम छोड़ते हैं साइड में, सेकंड पार्ट पर आपको दिखाते हैं। जैसे कि हो गया ये जो क्लच पैकिंग है, ये आता है 77 रुपीज़ का, ठीक है, मात्र 77 रुपया में, ठीक है। तो इसको भी लेते हैं साइड में। अब आता है जो ये जो पार्ट हैंडल है, मेरा दो हैंडल टूट चुका था, ठीक है, एक हैंडल का है 377, ठीक है, एक हैंडल हुआ। सेकेंड हैंडल का दाम थोड़ा कम है, इसमें रेट है आपका 347, ठीक है, मतलब 347 रुपया। उसके बाद आ जाता है आपका जाके ये जो ग्रिप है, लेफ्ट साइड का ग्रिप है मेरा, इसका रेट आपका आ जाता है कितना है, 89, देख सकते हैं अच्छा से, ठीक है, 89 है। सेकंड नंबर में ये पिन का है, ये पिन का 1780 रुपया रेट है। उसके बाद ये जो खुटरेस है मेरा, खुटरेस देख सकते हैं, ये पर आपका है 224 रुपया रेट है। और एक खुटरेस है मेरे पास, ठीक है, तो ये खुटरेस का भी वही है 224 रुपया। सेकेंड पार्ट्स पर ये वाला है, ये हो गया ब्रेक पेडल, ठीक है, इसका है 770 रुपया, आरसी का है इसलिए महंगा है थोड़ा। ये जो सीट है, ये सीट का रेट बताने वाले हैं, इसमें था आपका जाके तो ये देख सकते हैं 610 रुपया जो सीट है, सीट का रेट 610। सेकेंड नंबर पर यह हो गया आपका चैम्बर, ठीक है, ये जो है 1082 रुपया, इस चैम्बर का रेट 1082 रुपया है। सेकेंड आपका और एक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट्स का कितना रेट है अभी हम बताने वाले हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं इसका रेट होगा आपका जाके 895, ठीक है, तो 900 रुपया, 5 रुपया का 900। ये सब आ जाता है छोटा मोटा पार्ट्स, ये सब का ज़्यादा नहीं है, 20-30 टका 10 टका के दाम है, ठीक है। तो सब हो गया, सब ख़त्म हो गया, अभी इस गाड़ी को बनाने वाले हैं, पूरा फिटिंग करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। ये सब सामान सेटिंग करने वाले हैं गाड़ी में, देखिए बने रहिए, ठीक है। ये रहा मेरा टोटल सामान, जितना पार्ट्स है इधर से इधर तक है, एक लाइन से देख सकते हैं बहुत सारा है। तो इतना सामान अभी इस KTM में हम अभी लगवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये साइलेंसर गाइस तो ख़त्म हो चुका है, इसका तो बात ही मत कीजिए, ठीक है। तो गाड़ी में अभी सब लगाने वाले हैं, तो पहला काम है कि ये रहा चैम्बर, इस चैम्बर को लगाने वाले हैं, प्लस इस क्लच पैकिंग लेने वाले हैं, एक मोबिल लेने वाले हैं। तो इतना सामान रहा, तो ये यहाँ पर खोल चुके हैं, पूरा सब सामान खुल चुका है मेरा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सब खोल लिए हैं, अभी हम इसमें सेटिंग करने वाले हैं सब सामान। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा इंजन का सब पार्ट पुर्जा इधर तक घुस गया था, टूटा फूटा सामान सब यहाँ टूट चुका है, जो इधर से उधर देख सकते हैं पूरा छेदा हो गया है, पूरा टूट चुका है इधर से उधर तक, और चारों तरफ देख सकते हैं पूरा गंदगी था, सब साफ़ कर लिए हम लोग। अभी यहाँ पर हम ये पुराना चैम्बर को हटा के इस नया वाला चैम्बर को हम लगाने वाले हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो सेटिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा KTM RC, पूरा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो देख सकते हैं चारों तरफ से पूरा फुल कंडीशन में है, अभी पूरा बना लिया है। जैसे कि ये हैंडल आपको बता रहे थे, बैंड है हैंडल, देख सकते हैं पूरा सीधा हो चुका है, सब चेंज कर दिए हैं आपका, ये वाला खुटरेस भी लगा चुके हैं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा रात हो गया है इसलिए अच्छा से दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों को वीडियो, उसके लिए सॉरी यार। देख सकते हैं पूरा चैम्बर भी लगा सकते हैं, इधर ब्रेक ब्रेक खुटरेस व्रेस पूरा लगा दिए हैं, पूरा चेंज कर दिए हैं, और पूरा एकदम फुल्ली कंडीशन में है। अभी आपको चला के दिखाने वाले हैं कैसे चल रहा है गाड़ी, और स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट करो गाड़ी, तो स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं,
प्लस साइलेंसर भी गाइस खोल दिए हम, हटा दिए, अब साइलेंसर ही नहीं लगवाना है, डायरेक्ट चलेगा इसी तरह बैंड लगा के, ठीक है। तभी फुल्ली गाइस स्टार्ट करने वाले हैं, तो मारो। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं साइलेंसर हटा दिए हैं, पहले का जैसे पीछे कर दिए हैं, और गाइस टैंकी का स्टिकर जो होता है स्टिकर सब भी हटा दिया है, लाइट जला रहे हैं गाइस, क्या करेंगे, मतलब नहीं ना है, अंधेरा हो चुका है, शाम हो गया, इसलिए तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा भाई, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज़रूर, और कमेंट में बताइएगा कौन कौन भाई का KTM RC है और क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है। हम रिपेयरिंग नहीं करते हैं, ज़रूर बता पाएंगे आप लोगों को क्या क्या होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा फाड़ दिए स्टिकर सब, तो पूरा फुल कंडीशन में है, पूरा एकदम चेंजिंग हो गया है, स्टिकर हटा दिए हैं तो कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है अभी भाई, लगता है कि कोई एकदम काउस के स्टोर आ गया है भाई, गजब दिख रहा है। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, पूरा हो चुका है कंप्लीट। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो भाई बहुत ही नुकसान हो गया, हाथ टूट गया, शक्ल नहीं दिखता भाई, अंधेरा हो गया है इसलिए।